कल की महत्वपूर्ण व्यवस्था को देखते हुए पुलिस का पूरा बल तैनात है। अभी सारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, जो कि कल की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी टीम एक आकलन करेगी। और कल मुख्य तौर पर जो मुख्य सड़क है, इस पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। सामान्य तौर पर आम ट्रैफिक को इस रास्ते के लिए इसकी अनुमति नहीं दी गई है। जो मतगण मुख्य स्ट्रांग रूम से जो मतदान जो जगह है, जो निर्धारित केंद्र, वहां ले जाने के लिए सीएपीएफ की व्यवस्था लगाई गई है और सुरक्षा व्यवस्था को बाहरी तौर पर पूरी तरह से अभेद सुनिश्चित किया गया। केंद्र पर कितने एग्जिट और एंट्री गेट्स हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था रखी गई, कितने मुख्य फड़क से जब अंदर जाते हैं तो अलग अलग यहां पर 7 गेट हैं, जिसमें 4 जो गेट हैं राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए हैं और 3 जो गेट हैं मुख्यतः पुलिस के और शासकीय जो कर्मचारी हैं जो इस मतदान प्रक्रिया के हिस्सा होंगे उनके लिए निर्धारित। सीसीटीवी कैमरे सर कितने रहने वाले? लगभग 80 के आसपास सीसीटीवी कैमरे इस पूरे परिसर में लगाए गए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट सर काफी ज्यादा होगी, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और अन्य काफी लोग, दिग्विजय सिंह। भोपाल चूंकि राजधानी है और यहां पर मुख्य तौर पर मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, मतगणना की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद संभावित कार्यक्रमों के मद्देनजर पुलिस ने लगभग 18 अलग अलग बिंदुओं पर व्यवस्थाएं लगाई। रूट डाइवर्जन को लेकर भी आप लोगों ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए? सामान्य तौर पर इस रास्ते पर रूट डाइवर्ट रहेगा और आम ट्रैफिक इस रास्ते पर अनुमन्य नहीं होगा। आप लोगों ने कुछ एडवाइजरी भी दी आम जनता को लेकर? सामान्य तौर पर जो लोग आएंगे उनके लिए मोबाइल से किसी भी तरह के अन्य वस्तु, यानी कि पानी का बोतल हो सकता है, कोई वॉकी टॉकी, ऐसी कोई वस्तु लाना अनुमति नहीं होगी। डिप्लॉयमेंट के लिए कहा है कांग्रेस ने, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल लगाया गया है।